ओके सुप्रभात बच्चों, तो ये दूसरी वीडियो है रिमझिम पार्ट की, ठीक है ना। जो हम पिछली क्लास में एक से पेज नंबर 1 से 5 तक पढ़े थे, अब हम आज हम पेज नंबर 6 से 9 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको पेज नंबर 6 में दिखाया जा रहा है, अंगूठे की छाप, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, एक है चूहे का, एक बिल्ली। तो हमने पिछली क्लास में बताया था चूहे का क्या नाम बताया था, चूहे का नाम गोलू और बिल्ली का नाम सुहानी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बोला है पहचाने इन्हें, सुहानी कह रही है पहचाना इन्हें, ये तुम हो और तुम्हारा दोस्त, इनके नाम लिखो। अब सुहानी कह रही है तुम हो और तुम्हारा दोस्त और इनके नाम लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे बहुत सारे अंगूठे की छाप से बनाए गए चित्र हैं, और उन चित्रों में आपको एक बंदर मिलेगा, एक हाथी दिखाई दे रहा है, तितली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। नीचे चूजे और मछली थी, यानी इसका मतलब है यहाँ की जो अंगूठा है, अंगूठे की छाप से कुछ चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे लिखा है अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी मोटा एक हाथी, ठीक है ना। मतलब क्या बताया गया है, अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, अंगूठे के अंदर एक छिपा एक बंदर, उसका एक साथी मोटा एक हाथी। मतलब यहाँ पर एक पहले दो मतलब चित्र मानो के बताया गया, एक बंदर और दूसरा हाथी, लेकिन इसके अलावा अलावा हम और भी कुछ चित्र बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे पूछा गया पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छिपा है, मतलब जो अंगूठे की छाप बने हुए में और क्या छिपा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये कठपुतली है, ये हाथी बना हुआ है, ये चूहा बना हुआ है, ठीक है ना, ये बंदर बना हुआ है, इसी तरीके से ये मछली है, ये चूजे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक केकड़ा जैसा कुछ बनाया गया है, ये मतलब कीड़े का। तो यहाँ से हम कई जानवर यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि अंगूठे छाप से क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो पेज जो हमारा 7 है, पेज नंबर 7, उसमें ये आ ठा ए इनसे बनने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अब इन अंगूठों की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो। नीचे कुछ अंगूठे के छाप दिए गए हैं, उन छाप में आप अंगूठे की छाप जोड़कर मतलब कुछ बनाना है। जैसे यहाँ पर 8 है, ठीक है ना, तो 8 कैसे बनाओगे, एक तरफ है तो एक अंगूठा दूसरी तरफ ऐसे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह कठपुतली, इसके थोड़े से कठपुतली है तो इसकी आँख बना दोगे, कान बना दोगे, ठीक है ना, मुंह बना दोगे तो कठपुतली बन जाएगी, ठीक है। ऐसे कुछ करके आँख बना सकते हो, इसका मुंह बना सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है गठरी, गठरी में इसको गठरी बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अपने हिसाब से ही बनाना है, जैसे आप बना पाते हो। या और फिर चिड़िया है, अनार है, ठीक ना, तो चिड़िया बना देना, इसके पैर बना देना, चोंच बना देना, फिर अनार, थोड़ा अनार बना देना जैसे अनार दिखता है। तो यहाँ पर आपको इन अंगूठों की छाप में कुछ जोड़कर आपको बनाना है, क्या कौन कौन है, 8, कठपुतली, गठरी, चिड़िया एंड और क्या है, अनार। फिर क्या है, अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके अंगूठे की जो छाप है, ठीक है ना, उससे कुछ और भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंगूठे की छाप से यहाँ पे जैसे तितली और कई सारे चीजें बनाई गई हैं, तो यहाँ ऐसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोर बनाई गई है अंगूठे की छाप से। तो इस तरीके आप कई तरीके के पक्षी पशु, ठीक है ना, कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बनाना है। अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे चित्र में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें फल लगे हुए हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चा फल को गुलेर से गिरा रहा है, ठीक है ना। कुछ शिक्षक और एक शिक्षक और शिक्षिका बातचीत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लंच का समय है, जब आपके स्कूल में लंच होता है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, और कौन कौन किससे बातचीत कर रहा है। तो
ये किस समय का दृश्य हो सकता है, तो ये स्कूल में जब लंच होता है, ब्रेक होता है, उस समय का दृश्य है, ठीक है ना। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, नाव बना के बच्चे खेल रहे हैं, गुलेर से खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और चित्र में कितने बच्चे हैं, तो अगर देखोगे तो दो बच्चे यहाँ पर हैं, ये और ये दो यहाँ पर, और ये दो कितने हो गए, छः, और फिर यहाँ पे ये 7, 8, 9, 10। तो इस यहाँ तक तो अभी हमें 10 बच्चे दिख गए हैं, ठीक है ना। आपस में कौन किससे, मतलब आपस में कौन क्या बात कर रहा होगा, ये आपको सोचना है, ठीक है ना, इस तरीके से। और इनके नाम भी आपको सोच लेना है कि बच्चे क्या नाम रख सकते हैं उनके, तो ये आप अपने हिसाब से, अपने जैसे दोस्तों के नाम रखते हैं तो ऐसे आप इनके नाम सोच के रख सकते हैं। अगला है, अगले पेज पे चलेंगे तो फिर वही दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये स्कूल के लंच का ही टाइम है शायद। तो यहाँ पर आपको स्कूल के गेट का, ठीक है ना, जो स्कूल का गेट होता है वहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से कुछ स्कूल के सामने कुछ दुकानें जैसे मिठाई वाला और टेलर्स की दुकान दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर जहाँ पर आपका जो झंडा लहराया जाता है उसके स्थान दिखाई दे रहे हैं, बच्चे कुछ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे खेल हैं, तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चित्र को आपको देखना है, समझना है कि, अब फिर यहाँ पर बच्चों को देखना है कि कितने बच्चे हैं, बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना, और कितने बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आज के जो हिंदी में जो अभ्यास था, इसे फिर यहीं तक देखेंगे। अगला फिर यहाँ पर आपको जो कविता है झूला, ये अगली वीडियो में हम लेके आएंगे, झूला कैसे आपको इसको गाना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।